नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर। जनपद जौनपुर के उपजिला बदलापुर में सकिल ऑफिसर शुभम तोदी ने पत्रकारों से औपचारिक मुलाकात की, जिसमें पत्रकारों से वार्ता करते हुए सीओ शुभम तोदी ने कहा कि अपराध को रोकने के लिए एसपी जौनपुर के दिशा निर्देशन में पुलिस महकमा सक्रिय हो चुका है। एक भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा पैदल मार्च के माध्यम से तथा अन्य रचनात्मक कार्यों के माध्यम से समाज में जन जागरूकता फैलाई जा रही है। सर जी, आप सर्किल ऑफिसर हैं बदलापुर तहसील में और लगभग 3 महीना हो गया आपको यहाँ पे। 3 महीने में काफ़ी आपने जिस तरह से काम किया है यहाँ पे, क्राइम पे काफ़ी कंट्रोल किया है और इससे बड़ा अच्छा लगा है। तो सर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपके पास जो काम करने की स्किल है वो और लोगों से बेहतर मानी जाती है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। ये सभी प्रेस मीडिया बंधुओं का प्यार है, क्षेत्र की जनता का आभार है कि वो अपने अधिकारी के विषय में ऐसा सोचते हैं। हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। केवल बदलापुर में ही नहीं, पूरे जौनपुर में हमारे आदरणीय कप्तान साहब शेजय सानी सर के नेतृत्व में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, जिसमें सभी दुर्दांत इनामी अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा पैदल गश्त के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से व अन्य रचनात्मक कार्यों के माध्यम से ज़्यादा जनता से जुड़ाव करने का, उनसे संवाद करने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक सुखद स्थिति है कि क्षेत्र की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और उसी के लिए जौनपुर पुलिस पूरी रूप से प्रतिबद्ध है। सर, इसके पहले माना जाता था पुलिस विभाग के बारे में तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई थी, तो अब पुलिस के जो कार्य हैं उनमें पारदर्शिता हो, इसके लिए अलग से कुछ नया प्रावधान कुछ है? कार्यों में पारदर्शिता निरंतर बढ़ रही है, शासन की नीति भी यही है। और जिस प्रकार से आज के समय में अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, अगर थाने पर नहीं आ सकता, किसी कार्यालय में आज नहीं आ सकता, तो भी उसके पास हज़ारों चैनल उपलब्ध है जिसके माध्यम से वो अपनी समस्या बता सकता है। जैसे IGRS है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पोर्टल है, वो सभी शिकायतें पर त्वरित निस्तारण के लिए हमारी टीमें प्रतिबद्ध है। उन सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है और बिल्कुल समयबद्ध उनका निस्तारण करके आख्या अपलोड की जाती है, जिससे घर बैठा पीड़ित व्यक्ति वो आख्या देख सके और एक पारदर्शितापूर्ण न्याय का माहौल तैयार हो सके। सर, अंत में मैं चाहूँगा कि आप समाज जनता को सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में आश्वासित करने के लिए 2 शब्द कहें, और साथ ही जो ऐसे अपराधी हैं जो अभी पुलिस के हाथ में नहीं आए हैं उनके बारे में भी आप कुछ कहें। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि अपराध के प्रति पूर्ण रूप से जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसमें समय समय पर अलग अलग प्रकार के अभियान जौनपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे हैं। अभी हम दोपहिया वाहन चोरों के विरुद्ध भी अभियान चला रहे हैं। कुछ समय पहले हमने 3 अलग अलग जगहों पर पुलिस मुठभेड़ में बदलापुर में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। तो इस प्रकार के रचनात्मक कार्य पुलिसिंग में करके उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। और हमारा मेन फोकस यही है कि इस प्रकार की कार्रवाई से जो नए लड़के हैं, जो अपना एक जीवन का लक्ष्य भूल करके भटकाव में और अपराध जगत में।